तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन टीम का एकदम गोल्डन एरा चल रहा है। जो भी कर रही है मस्त कर रही है, जो भी करना चाह रही है वो हो जा रहा है। और ये दौर देखे भैया आंखें तरस गई थी। तो इस वक्त पे जो किक मिल रही है ना भाई, एक नंबर। लेकिन सिर्फ ये सोच के खुश मत होना, क्योंकि मैं तुमको एक बहुत बड़ी वजह देने वाला हूँ खुश होने की। क्योंकि कल के दिन ICC की रैंकिंग अपडेट होती है, तो जाहिर सी बात है खुशखबरियां इंडिया के खेमे में आती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाहे बैटिंग में कह ले चाहे बॉलिंग में कह ले, इंडियन टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। तो उसका इनाम तो मिलना ही था ना। तो आसान भाषा में मैं तुमको बस ये बता देता हूं कि ODI फॉर्मेट के तीनों ही कैटेगरी में कौन से वो इंडियन प्लेयर्स हैं जो टॉप 10 में बने हुए हैं। गिल बने हुए हैं सेकंड में बैटिंग में, कोहली 7th पे हैं बैटिंग में, रोहित 9th पे हैं बैटिंग में, बॉलिंग की बात करें तो कुलदीप हैं 7th पे और सिराज हैं 9th पे। और वहीं पे अगर बात करें ऑलराउंडर लिस्ट की तो इकलौते हार्दिक पांड्या हैं इंडियन टीम से जो 6th रैंकिंग में विराजमान हैं। देखो ये सोच के शायद तुम लोगों को थोड़ा सा दुख पहुंचे कि कोई भी इंडियन प्लेयर क्या नंबर 1 रैंकिंग पे नहीं है। तो हां ODI में नहीं है, लेकिन T20 में सूर्या भाई तो हैं ही ना अपने। उसके अलावा टेस्ट में अश्विन जडेजा ऑलराउंडर्स में भैया, और बॉलिंग में बिल्कुल टॉप पे विराजमान है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, ODI तो हमारे बड़े प्लेयरों ने अभी बस हौले खेलना शुरू ही किया है, पिछले कुछ टाइम से खेल ही कहां रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा धीरे धीरे वो भी ऊपर आ जाएंगे। गिल तो सेकंड पे आ ही गए हैं, जैसे ही एशिया कप खत्म होगा मुझे तो लगता है कहीं फर्स्ट पे ना आ जाएं, क्योंकि बाबर आजम हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी रैंकिंग फर्स्ट से नीचे आने लगे। और गिल भी भले ही थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में, लेकिन वो भी हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी रैंकिंग ऊपर जाने लगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बाकी देखो बैटिंग की रैंकिंग में तो विराट कोहली टॉप 2 में नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक जगह है जहां पे विराट कोहली दूसरे नंबर पे विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि भैया जैसे ही भारत श्रीलंका को हराई थी ना, तो विराट कोहली जो हैं वो ऐसे दूसरे इंडियन बन चुके थे जो 300 इंटरनेशनल विन का हिस्सा बन गए। अब वो पहला प्लेयर कौन है जो 300 से ज्यादा इंटरनेशनल विन का हिस्सा रहा है, इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में ना बता देना। वो कौन सा इंडियन प्लेयर है जो सबसे पहले 300 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल विंस का हिस्सा बना था, भैया आप सोचिए और कमेंट में बता दीजिए। जब तक तुम कमेंट में बता रहे हो, तब तक मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि भैया KL राहुल ने ऐसा कमाल कर दिया है, ऐसा बवाल कर दिया है, इसे सुन के तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। और तुम्हारे सिर पे पिछले कुछ वक्त से जो एक बहुत भारी टेंशन चल रही थी ना, वो ऐसे करके भैया स्वाहा होने वाली है। अब वो टेंशन कौन सी थी और उस टेंशन का आखिर सॉल्यूशन क्या मिला है बताता हूँ। तो जैसा मैं कह रहा था कि पिछले कुछ वक्त से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का साया था जो हमारी इंडियन टीम पे मंडरा रहा था, लेकिन KL राहुल के आते ही वो जो साया है वो तबाह हो चुका है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, वो जो साया है, वो जो समस्या का साया है, वो स्वाहा हो चुका है। क्योंकि देखो पिछले कुछ वक्त से यही सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि वर्ल्ड कप में आखिर इंडियन टीम के वो चौथे पांचवें नंबर के प्लेयर कौन होंगे, यानी आसान भाषा में इंडियन टीम के मिडल ऑर्डर को आखिर कौन संभालेंगे। तो पिछले दो मैचों के बाद KL राहुल ने बहुत ही जोरों शोरों से कहा है हम संभालेंगे, और कौन संभालेगा, और देखो KL राहुल ही हैं जो संभाल सकते हैं, यानी कि अच्छे से वही संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर KL राहुल के रिकॉर्ड पे भी नजर डालें तो चौथे नंबर पे KL राहुल की जो एवरेज रही है वो 59 की रही है, वहीं पे बात करें अगर स्ट्राइक रेट की तो वो 88 की रही है, और बात अगर कर ले हम पांचवी पोजीशन की तो वहां पे KL राहुल की एवरेज 52 की रही है और स्ट्राइक रेट तो 99 की रही है। यानी KL राहुल ने ये ऐलान कर दिया है चाहे हमें चौथे नंबर पे खिलाना हो चाहे हमें पांचवें नंबर पे खिलाना हो, हम तैयार हैं, एकदम भैया सीना तान के तैयार हैं, जहां पे भी भेजोगे कसम से ऐसा बवाल मचाएंगे कि लोग जो कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे कि ये राहुल को आके
आखिर हो क्या गया है, ये तो बस टुक टुक करता है, इसके बस में नहीं है चौके छक्के लगाना। वही लोग कह रहे होंगे, राहुल भाई सॉरी गलती हो गई, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपकी इंडियन टीम को बहुत जरूरत है। अब आए ना लाइन पे। बाकी देखो तुम में से ऑलरेडी काफी लोग को पता होगा कि एशिया कप 2023 के बाद सीधे इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 नहीं खेलना है, बल्कि बीच में एक तड़का लगने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, जहां पे T20 मैचेस भी होने हैं और ODI मैचेस भी होने हैं। लेकिन मेन अपने को किससे फर्क पड़ेगा ODI मैचेस से, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप 2023 से पहले वो मैचेस ही तो होंगे जो भैया प्रैक्टिस का काम करेंगे इंडियन टीम के लिए। तो फिलहाल तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वो जियो सिनेमा में तुम एकदम मुफ्त में देख सकते हो। हाँ हॉटस्टार भी मुफ्त में दिखाता है, लेकिन हॉटस्टार के साथ मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही आप फ्री में देख सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या फिर स्मार्ट टीवी पे देखना होता है तो आपको पैसा खर्चना पड़ता है। लेकिन जियो सिनेमा कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंबानी जी है ना वो सब देख लेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना है। हाँ बीच बीच में एड थोड़े से ज्यादा आएंगे, लेकिन क्या दिक्कत की बात है, क्रिकेट मैच जब टीवी पे भी देखते हैं एड तो आते ही है ना, मैच का एक भी सेकंड आप मिस नहीं करेंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के सारे T20 मैचेस, सारे ODI मैचेस आप 4K में जियो सिनेमा में एंजॉय कर सकते हैं एकदम फ्री में। चलो इसी बात पे नाचो। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रेनेडो, रेनेडो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर कुछ लोगों को नाचने की मैं यहाँ पे एक और वजह देना चाहूंगा। देखो ये तो तुम जानते ही हो कि जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होगा उसके साथ में पैरेलली जो एक हमारी इंडिया बी की टीम है या इंडिया ए की टीम भी उसको कह सकते हैं अगर आप करंट टीम को इंडियन टीम माने, तो वो जो सेकेंडरी टीम है जिसके ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है वो असल में इंडिया को एशिया कप 2023 में रिप्रेजेंट करेगी। तो भाई कल के दिन एक और खबर सामने आती है कि इस टीम में जो शिवम मावी थे वो इंजर्ड हो गए हैं, शिवम मावी टीम से बाहर जाएंगे और उनकी जगह पे वो बॉलर आएंगे जिनको देखने के लिए बहुत से लोग बेसब्र थे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ उमरान मलिक की। अब पता नहीं उमरान मलिक को खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, वो तो नहीं पता, बाकी मुझसे पूछो तो एशिया कप 2023 में जो बॉलिंग अटैक भेजा गया है, खासकर जो पेस बॉलिंग अटैक भेजा गया है, एकदम मुझे दो कौड़ी का लगा है, आवेश खान, मुकेश कुमार और जो शिवम मावी भेजे गए थे ये कुछ भी ऐसे खास बॉलर नहीं है, किसी के पास भी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। इनकी जगह पे मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मोहित शर्मा को भेज देते, आकाश मधवाल को भेज देते, मैं लिख के दे रहा हूं 100% इनसे तो बेहतरी बॉलिंग कराते। बात तो सही है, क्योंकि भाई जो एशियन गेम्स के मैचेस होने हैं वो ODI फॉर्मेट में नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट में होने हैं, और आपने IPL 2023 के बेस्ट बॉलर मोहित शर्मा को टीम में रखा ही नहीं। माना कि मोहम्मद शमी पर्पल कैप थे, लेकिन मोहित शर्मा ने मात्र एक विकेट कम लिया था मोहम्मद शमी से, और वहीं पे अगर आप उस IPL में मोहित शर्मा के विकेट टेकिंग रेट को मोहम्मद शमी से कंपेयर करेंगे तो कई ज़्यादा बेहतर था, इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे कई ज़्यादा बेहतर था, जबकि मोहम्मद शमी तो आधे से ज्यादा ओवर अपने पावर प्ले में डालते थे और वहीं पे मोहित शर्मा अपने सारे के सारे ओवर लगभग डेथ ओवर्स में डालते थे। लेकिन नहीं भैया, नहीं खरीदा, क्या कर सकते हैं। खैर इस मामले में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो तो मुझको नहीं पता, पर एक मामले में आप लोग जरूर एक काम कर सकते हैं, और वो मामला ये है कि भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जहां पे हर अपडेट सबसे पहले आती है, तो अगर आपको एक भी अपडेट मिस नहीं करनी है और साथ ही साथ कुछ तरीके आप जानना चाहते हैं पैसे कमाने के और बहुत सारे गिवअवेज का पार्ट बनना चाहते हैं जो हम बीच बीच में करते रहते हैं, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और चेकआउट करो, वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।